Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sayyid Mohammad Shabab, student of Department of Social Work, BA 6 semester, roll number 24 evening. Subject जो है जिस subject की assignment मैं कर रहा हूँ वो है social work with special people. मेरा topic जो है सरपाई से approved social model of disability. Disability की तीन models होते हैं, एक moral model of disability, एक medical model of disability और एक social model of disability. Social model of disability states that disability is caused by the way society is organized. मतलब how society is organized. जैसा कि unlike medical model ये state करता है कि what is wrong with the person, not what he or she needs. Social model ये describe करता है कि what the person needs. मतलब person के needs क्या होते हैं. और society is organized का मतलब ये है कि जैसे लोग मतलब डिसेबिलिटी को परसीव करते हैं. सेकंड पॉइंट ये आता है कि इट एक्सप्लेन्स द एक्सपीरियंस ऑफ डिसेबिलिटी. सोशल मॉडल एक्सप्लेन्स द एक्सपीरियंस ऑफ डिसेबिलिटी. मेडिकल मॉडल में ये एक नेगेटिव मतलब डिफेक्ट था कि वो डिसेबिलिटी को एक्सपीरियंस उसने नहीं किया था. इसमें सोशल मॉडल में मतलब वो डिसेबल पर्सन को देख के ये सोशल मॉडल बनाया गया है. थर्ड, इट इज़ मोर इंक्लूसिव. सोशल मॉडल उन दोनों मॉडल से मतलब मेडिकल मॉडल से और मॉरल मॉडल से ज़्यादा इंक्लूसिव है. क्यों? क्योंकि ये इस आइडिया को सपोर्ट करता है कि एक डिसेबल पर्सन जो है उसे फुल राइट है, मतलब पूरी राइट है उनको मिलती है. किसकी राइट? राइट टू पार्टिसिपेट इन सोसाइटी. फिर ये आता है कि इट सोशल मॉडल लुक्स फॉर वेज ऑफ रिमूविंग बैरियर्स. कौन से बैरियर्स? वही बैरियर जो डिसेबल पर्सन की लाइफ चॉइसेस को रिस्ट्रिक्ट करता है. बैरियर्स में फिजिकल बैरियर्स आता है और पीपल्स एटीट्यूड्स. फिजिकल बैरियर्स मत फॉर एग्जांपल जैसे कि लोग यूनिवर्सिटी या किसी इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में स्टेयर्स की जगह मतलब स्टेयर्स होती है, मतलब डिसेबल पर्सन विद मतलब जो जिनके पाँव वगैरह ना हो या ब्लाइंड हो तो वो स्टेयर्स यूज़ नहीं कर सकते. तो उनके लिए रैंप बनाना मतलब रिमूविंग बैरियर्स. रैंप मतलब बैरियर हट गया, स्टेयर्स हटा दिए या स्टेयर्स की जगह दूसरी ऑप्शन जो है वो रैंप बनाना. फिजिकल बैरियर्स के बाद पीपल्स एटीट्यूड्स आता है. पीपल्स एटीट्यूड्स में सबसे पहले परसेप्शन आती है लोगों की कि वो कैसे डिसेबल पर्सन को परसीव करते हैं. मतलब इसमें बैरियर्स को हटाने में मतलब लोगों को स्टिग्मेटाइजेशन मतलब डिसेबल लोगों को स्टिग्मेटाइज ना करना, उन्हें डिग्रेडिंग डिमोरलाइज ना करना, उनको मोटिवेट करना कि और मतलब लाइफ को वापस उनको एक ट्रैक पे लाना. कंक्लूजन या मेन ऑब्जेक्टिव या मेन पर्पस जो है सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी का वो ये है कि इट सीक्स टू चेंज सोसाइटी. ये सोसाइटी को चेंज करना चाहता है. सोशल मॉडल किस लिए चेंज करना चाहता है? इम्पेयर्ड पीपल को सोसाइटी मतलब इम्पेयर्ड पीपल इम्पेयर्ड लोगों के लिए सोसाइटी को चेंज करना चाहता है. ये नहीं कि मतलब इम्पेयर्ड पीपल को सोसाइटी मतलब इम्पेयर्ड पीपल खुद अपने आप को चेंज करे और सोसाइटी में रहे. नहीं, वो नहीं. सोसाइटी चेंज हो जाए और इम्पेयर्ड पीपल उसमें आराम से जी सके. तो लास्ट में जब मैं अपने रिव्यूज दूंगा तो उसमें जो सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी है ये फिजिकल हेल्थ को बेनिफिट करता है, उसके साथ साथ मेंटल हेल्थ को भी. और फिजिकल हेल्थ में मतलब लोगों को एक एक्टिव अपने एक ट्रैक पे लाते हैं, मतलब एक एक्टिव पार्टिसिपेशन वो कर सकते हैं. फिर जो वो मतलब फिजिकली वो स्टिग्मेटाइज ना हो तो सिर्फ इम्पेयरमेंट तक मतलब की हद तक जब वो अपनी लाइफ गुजारे तो दे कैन पार्टिसिपेट एक्टिवली इन देयर लाइफ डेली लाइफ एक्टिविटीज़. इंक्लूजनेस आ जाती है फिर लोगों की मतलब जो परसेप्शंस होते हैं, परसेप्शंस फिर मेंटल उसमें आता है. परसेप्शंस लोगों के हो गए और मतलब सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर ली एज अ कि ये एक इम्पेयर है लेकिन डिसेबल नहीं है.